नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पिलाई मिल। आज धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उच्च न्यायालय के निर्देश पर सर्वे का 42वां दिन था। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 17 अधिकारी 20 मजदूर सुबह 8 बजे सर्वे के लिए भोजशाला में पहुंचे। 5 बजे टीम सर्वे करके बाहर निकली। 42वें दिन का सर्वे पूर्ण हुआ। सर्वे टीम के साथ भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता उपाध्यक्ष आशीष गोयल, मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद मौजूद रहे। आज भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने दावा किया कि भोजशाला परिसर के गर्भगृह के सामने की ओर से जो 7 पॉइंट चिन्हित किए गए थे, उसमें से 3 में परमारकालीन सिक्के प्राप्त 3 परमारकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनके आज क्लीनिंग भी की गई। वही एक नई साइट जो कि पूर्व में GPRS की सर्वे टीम हैदराबाद से आई थी, उन्होंने नया पॉइंट भोजशाला परिसर में बाहर की ओर एक खेत में चिन्हित किया था। आज उस पर टेंट लगाकर मिट्टी हटाने का काम किया गया, जो कि भोजशाला से 50 मीटर की परिधि के अंदर है। वही राजस्व का अमला, जिसमें तहसीलदार सहित RI पटवारी सहित राजस्व की टीम मौजूद थी, उन्होंने भोजशाला परिसर के अंदर व परिसर के बाहर सीमांकन का कार्य किया है। MASI के द्वारा किए गए कार्यों की भी नप्ती की गई है। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद के अनुसार मॉन्यूमेंट्स में पीछे की ओर पश्चिम की तरफ खुदाई जारी रही। दरगाह परिसर में आज भी काम बन रहा है। आज एक नई साइट में मिट्टी हटाने का काम जारी रहा है। राजस्व के अमले ने भोजशाला परिसर का सीमांकन किया है। देखिए खबर इसके पिलाई न्यूज पर। 42वां दिन है, क्या कुछ रहा और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सर्वे स्टार्टिंग से जो चल रहा है वो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार्बन डेटिंग, पेपर स्टैंपिंग और जो भी अपने तरीके से टीमें आई है, साइंस की टीम आई है, उन्होंने अपने तरीके से सब ने अपना अपना काम किया है। और आने वाले दिनों में GPRS मशीन और जो भी तकनीक से वो लोग करना चाह रहे हैं, कोर्ट से चूंकि उनको टाइम कुछ सप्ताह का और मिला है, तो वो लोग अपने हिसाब से ये सर्वे का कार्य आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कल की तारीख लगी है 3 मई, उसमें सुप्रीम कोर्ट में चूंकि नोटिसेस किया था उसमें SI को भी और हिंदू पक्ष को भी, तो वो लोग अपना जो भी है जवाब सबमिट करेंगे अपने तरीके से, तो वो कल की डेट लगी है उसमें। वही जो पिछले बार हमारा जो हवाला था माननीय उच्च न्यायालय में भी, कि सर्वे की ज़रूरत नहीं है, सर्वे की अगर ज़रूरत है तो किस गाइडलाइन के तहत है वो SI स्पष्ट करे। और हिंदू पक्ष ने जो मांग की है कि यहाँ पर टाइटल डिसाइड हो, तो हिंदू पक्ष सिविल सूट ना करते हुए पिटीशन में गया, और पिटीशन का क्या अपना हवाला है और पिटीशन में क्या क्या चीज़ें उन्होंने लगाई है, वो सब जवाब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है उन लोगों से, उनको नोटिसेस किया है। आज मॉन्यूमेंट में पीछे पश्चिम की तरफ खुदाई जारी रही, और एक जो नई ट्रेन उन्होंने चालू की आज से, उसमें भी खुदाई चालू की। खेत में पीछे करीब करीब मॉन्यूमेंट से 19 मीटर की दूरी पर खेत के अंदर जो गिलकी वगैरह लग रही थी उस खेत में चालू की है। और उत्तर दक्षिण में वही क्लीनिंग का काम, और मॉन्यूमेंट के अंदर जो ट्रेन चल रही थी उनके, उसमें भी आज ब्रशिंग की गई, उनमें उसमें खुदाई बंद थी। और एक अभी दोपहर बाद राजस्व की टीम भी आई थी, और राजस्व की टीम ने सीमांकन इसका जो पहले कर चुके थे वो अभी फिर से रिवाइज़ किया है, चूँकि वो पुरातत्व के अधिकारी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो वो वापस से रिवाइज्ड करने आए थे आज। क्या कितने मीटर का उन्होंने जो राजस्व की टीम ने नापा? बस जो स्ट्रक्चर है, जो मॉन्यूमेंट है, जो मस्जिद है, उसकी चारों तरफ उसी का जो मेन उसकी दीवारें हैं उसी से। नहीं, दरगाह परिसर में तो काम बंद है पिछले 3 दिनों से, और अंदर ही तरफ काम चला, पीछे की तरफ ही काम चला उसमें। नई साइट कुछ खोली है? हाँ, नए ट्रेन खोले पश्चिम क्षेत्र में पीछे की तरफ। उनमें क्या चल रहा है? खुदाई की आज उन्होंने करीब करीब उसमें 8 इंच खुदाई की है। तो कुछ निकली? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तो मट्टी निकली है। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। आज भोजशाला में जो सर्वे का 42 दिन था, सुबह 8 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ और अभी 5 बजे समापन हुआ। आज भोजशाला के पश्चिम दीवार की तरफ मिट्टी हटाने काम चला है, और दक्षिण दीवार की तरफ कुछ निर्माण कार्य, जो मिट्टी हटाई थी वहाँ पर पत्थरों की दीवार बनाने का काम चला है। गर्भगृह में भी थोड़ा काम चला है। आज जो GPRS की पूर्व जो सर्वे टीम आई थी, उन्होंने एक पॉइंट बताया था परिसर के बाहर की ओर, मतलब 50 मीटर के अंदर ही है, और जो अभी तक था नहीं देखा गया था, जो पर्दे लगे थे पर्दे खेत में, आज 15x30 का टेंट लगाया है और वहाँ पे मिट्टी हटाने का काम चालू हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में
गर्भगृह में से जहाँ मिट्टी हटाने का काम चल रहा था वहाँ कुछ परमाकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनकी आज सफाई चली है और पता पड़ा है कि वो सब परमाकालीन है। पर कौन से कालीन है तो सर्वे टीम हाई कोर्ट में रिपोर्ट देगी, लेकिन ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या वो जो 7 पॉइंट जो उसी 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 में से प्राप्त हुए गर्भगृह के सामने सिक्के की संख्या कितनी थी? मैंने तो 3 सिक्के देखे हैं और वो संख्या कितनी है क्या है क्योंकि सफाई करते वक्त वो ध्यान में आए थे। उसी की पूर्व तैयारी चल रही थी क्योंकि पॉइंट वही देखे गए थे जो आज ट्रेन लगा है और मिट्टी हटाने का काम भी चला है। निश्चित ही आने वाले समय में शायद जीपीएल मशीन आएगी और आने वाले समय में निश्चित ही परिणाम जिस उद्देश्य को लेकर यह कोर्ट में पिटीशन दायर की थी उस उद्देश्य की पूर्ति होती दिख रही है। राजस्व की टीम भी पहुँची थी, उन्होंने पूरी जो भोजशाला के जो खसरों के हैं 405, 406 सबकी नप्ती करी है और ज़्यादा खुदाई चली उनकी भी उनको उन्होंने नप्ती की कितनी खुदाई हुई है क्या हुआ है बिल्डिंग का ज़्यादा खुदाई उनको की बिल्डिंग का नुकसान तो नहीं उनका जो अपना सर्वे करने का तरीका था उन्होंने भोजशाला को ऊपर से पूरा नापा है साइड से भी नापा है वो किस लिए नापा है किन के जवाब में नापा है मुझे गोपाल शर्मा संयोजक गौशाला मुक्ति यज्ञ।